हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सीमा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सीमा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीन रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सीमा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी और जय सीमा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सीमा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सीमा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुण प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सीमा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सीमा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सीमा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सीमा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन
से ही। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरासिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो वीरासिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरासिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरासिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरासिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुलिचेरल्ला वीरासिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरासिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरासिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरासिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरासिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो वीरासिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार
73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीन रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और नियम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई।
अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक विजय सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की
सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरसिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरसिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमुरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरसिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपीचंद माली नेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन
वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1, 2, 3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सीमा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सीमा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीम रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सीमा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल्ला वीरा सीमा रेड्डी और जय सीमा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरा सीमा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरा सीमा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सीमा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सीमा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लैया 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सीमा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 123 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि
कुल मिलाकर वीरा सिंह रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिंह रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिंह रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिंह रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिंह रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिंह रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण है। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिंह रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिंह रेड्डी और जय सिंह रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिंह रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिंह रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिंह रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिंह रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम
मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मस मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा
निर्देशित, वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरसिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरसिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरसिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरसिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
पुलिचेरल नाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदामुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल नाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल नाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुण प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमुरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सीमा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सीमा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण है। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सीमा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी और जय सीमा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदामुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सीमा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सीमा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सीमा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सीमा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सीमा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लोर लिखा कि वीरा सीमा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के
टोकन से ही। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमति प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने
थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1, 2, 3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीन रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलम में शुरू हुई
और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरय सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरय सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरय सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरय सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरय सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरय सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरय सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरय सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल्ला वीरय सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरय सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरय सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी
प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरासेम रेड्डी की सौतीली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरासेम रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरासेम रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरासेम रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरासेम रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरासेम रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरासेम रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमुरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरासेम रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरासेम रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपीचंद माली नेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें
हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी।
जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीन रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 123 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि
कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार। और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम
मनुभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मस मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा
निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरसिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरसिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरसिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरसिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
पुलिचेरल नाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदामुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल नाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल नाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुण प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमुरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सीमा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सीमा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी, शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सीमा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी और जय सीमा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सीमा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सीमा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सीमा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सीमा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सीमा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सीमा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन
से ही। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार
73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीन रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमति प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई।
अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरय सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जे वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और नियम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की
सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नैनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को श्रीशिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरसिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरसिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमुरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरसिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपीचंद माली नैनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन,
वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिका डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सीमा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सीमा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनीन रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनियाम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सीमा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी और जय सीमा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सीमा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सीमा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सीमा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सीमा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय मल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सीमा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 123 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि
कुल मिलाकर वीरा सिंह रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिंह रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिंह रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो वीरा सिंह रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिंह रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिंह रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिंह रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुलिचेरल लाम वीरा सिंह रेड्डी और जय सिंह रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल लाम वीरा सिंह रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल लाम मीनाक्षी वीरा सिंह रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिंह रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलाम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिंह रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयाम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नाम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मां बावा
मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मस मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और नियम विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल्ला वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल्ला मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुन प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा
निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरसिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावाम मनोभावलू नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुड्डू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरसिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर है जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरसिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरसिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमूरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरसिम्हा रेड्डी एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और मायत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें हनी रोज, श्रुति हसन, वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय के साथ दोहरी भूमिका में नंदमूरी बालकृष्ण हैं। फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना यश थमन ने की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरसिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह पर रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो
पुलिचेरल नाम वीरा सिम्हा रेड्डी और जय सिम्हा रेड्डी के रूप में दोहरी भूमिका में नंदामुरी बालकृष्ण दिखाई देंगे। पुलिचेरल नाम वीरा सिम्हा रेड्डी की पत्नी पुलिचेरल नाम मीनाक्षी वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में हनी रोज है और श्रुति हसन ईशा के रूप में हमें दिखाई देंगी। भानुमती प्रताप रेड्डी की पत्नी और वीरा सिम्हा रेड्डी की सौतेली बहन के रूप में है। वरलक्ष्मी शरद कुमार और दुनिया विजय मुस्लिम मधुगुण प्रताप रेड्डी के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2021 में मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत और गोपीचंद माली नेनी द्वारा निर्देशित वर्किंग टाइटल NBK 107 था। फिल्म को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 2021 को एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म के 2022 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर जाने की सूचना मिली थी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 फरवरी 2022 को सिरिसिलम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2022 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक वीरा सिम्हा रेड्डी के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक जय वल्लयम 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुगुन्नम सुंदरी 15 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। माम बावा मनोभावलु नामक तीसरा एकल 24 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। मास मुगुडू नामक चौथा एकल 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सभी गीत राम जोगयाम शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताह के लिए रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स के अधिकार 73 करोड़ की लागत से बेचे थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा 14 करोड़ में हासिल किए गए थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे डिजिटल प्रीमियर के लिए निर्धारित की गई थी। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि कुल मिलाकर वीरा सिम्हा रेड्डी एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर हैं, जिसमें बालकृष्ण के प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए सभी व्यावसायिक तत्व हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 0.5 में से रेटिंग दी और 5 स्टार और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी को परेशान करने वाला हिस्सा बालकृष्ण की अधिकांश फिल्मों के टोकन से है। यह तर्क देता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मारना ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिता न्यायपति ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि वीरा सिम्हा रेड्डी बालकृष्ण की पूरी तरह से फिल्म है। वही बात करूँ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वीरा सिम्हा रेड्डी ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 54+ करोड़ की कमाई की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त रूप से 36.2 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार यह नंदमुरी बालकृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉसर बन गई थी। फिल्म ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी रिलीज के पहले दिन 7,047 अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।